यार तुम मुझसे लिख के ले ले आज के बाद मैकडोनल्स कभी नहीं जाऊंगा क्यों यार क्या हो गया तुझे यार आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैकडोनल्स गया था और मेरे पास तो थे आठ सौ रूपये जिसमें से मुझे तीन सौ रूपये का अपना रिचार्ज करना था हाँ तो क्या दिक्कत है तो दिक्कत यह है कि मैंने ऑर्डर किया बर्गर और कोक जिसका टोटल हो रहा था पांच सौ रूपये लेकिन तभी मैकडोनल्स वाले ने बड़े प्यार से बोला सर क्या आप इसके साथ फ्रेंच फ्राइज लेना चाहोगे अब यार उसने इतने प्यार से बोला और गर्लफ्रेंड भी साथ में थी तो मैं ना कर ही नहीं पाया और टोटल बिल बन गया आठ सौ रुपए का और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए ओ तो तू तो क्रॉस सेलिंग में फंस गया कौन सी सेलिंग अरे क्रॉस सेलिंग जैसे हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो कंपनी वाले उस ऑर्डर के साथ साथ हमें उससे रिलेटेड कुछ और प्रोडक्ट भी बेचने की कोशिश करते हैं इसको भाई क्रॉस सेलिंग बोलते हैं अगर कस्टमर ने हाँ बोल दिया तो कंपनी का डबल फायदा ओह तो ये है क्रॉस सेलिंग हाँ और ऐसा सिर्फ मैकडोनल्ड ही नहीं कई और कंपनियां भी करती है अब देख जैसे तू तो कोई नया क्रेडिट कार्ड लेगा तो कंपनी वाले तुझे तुरंत इंस्टेंट लोन का भी ऑफर देंगे ऐसा करके उनका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाता है